तो सुपर इन्वेस्टर्स, नेक्स्ट वीक मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि काफ़ी मेजर इवेंट्स हैं जो मार्केट को गिरा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट आजकल न्यूज़ पे चलता है, नया डेटा आता है, कोई कंट्री से नई खबर आती है, उसके कारण मार्केट चलता है, आप जानते हैं। पर अभी मार्केट ने काफ़ी तेज़ी दिखाई कुछ दिनों से, 16,200 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। अब ये जो खबर, ये जो न्यूज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट आगे अगले वीक क्या रिएक्ट करता है। जैसे कि नेक्स्ट वीक में US के इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं और इन्फ्लेशन रेट US का डिक्लेयर होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाले हैं, CPI डेटा। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, Q1 के हमारे भारत के भी रिजल्ट्स काफ़ी कंपनियों के नेक्स्ट वीक में अनाउंस होने वाला है, अराउंड 70 कंपनीज के डिक्लेयर होने वाले रिजल्ट नेक्स्ट वीक में। उसके कारण भी मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है और US से भी नंबर शुरू हो जाएंगे क्वार्टर के, उनके हिसाब से Q2 होता है, हमारा Q1 होता है क्योंकि वहाँ पे दिसंबर क्लोजिंग होता है, हमारे यहाँ मार्च का क्लोजिंग होता है। तो US से भी बड़ी बड़ी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा रिटेल सेल्स डेटा भी आने वाला है USA से फ्राइडे को, उसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो तो आप जानते ही है, वॉर चल रहा है, श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रहा है, और भी कंट्री का अगर ब्रेकडाउन का अगर आया कुछ खबर तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे देखने को मिलेगा। RBI के तरफ से भी कुछ ना कुछ नए डेटा आते रहते हैं, तो इन्फ्लेशन डेटा हमारा भी आ सकता है, भारत का भी, और कुछ इंटरेस्ट रेट का रेट बढ़ने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। अगर वैसा हुआ तो मार्केट उस पर भी रिएक्ट करेगा। और क्रूड ऑयल का भी देख रहे हैं आप, बीच में काफ़ी गिरा था, फिर से बढ़ गया, तो क्रूड ऑयल का भी जो रेट है उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता है। और इंडियन रुपीज़ वर्सेज US डॉलर, इसके रेट भी काफ़ी अभी लगातार बढ़ रहा है, इंडियन रुपीज़ वीक होते जा रहा है, तो अगर वो जितना ज़्यादा वीक होगा उतना मार्केट उस पर निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये काफ़ी डेटाज नेक्स्ट वीक आने वाला है, उसके ऊपर नज़र बना के रखना है। जैसे जैसे कोई नई न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। सो लेट्स होप नेक्स्ट वीक मार्केट हमें पॉजिटिव रिटर्न दे। पर आपको एक ही बात ध्यान रखना है, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, प्रॉफिट बुक करते रहना है। अगर आपने कोई नया शेयर बाय किया होगा और प्रॉफिट में आया होगा तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, अभी भी काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।